अब बात करते हैं पाकिस्तान की चक्की में शिवसेना और बीजेपी के पिस्ते रिश्तों की। आपने अब से कुछ देर पहले अमित शाह का बयान सुना कि क्या होना चाहिए एक गठबंधन का धर्म, लेकिन शिवसेना बीजेपी के रिश्तों में खटास आ रही है, यह भी एक हकीकत है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वो असल वजहें कौन सी हैं कि बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते लगातार दरक रहे हैं। हंगामा है क्यों बदनाम, हंगामा है क्यों 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 बदनाम, हंगामा है क्यों बदनाम। पाकिस्तानी कलाकारों के लिए देश का दरवाजा बंद करने में जुटे शिवसेना के कर्तव्य महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को संकट में डाल रहे हैं। जब एक विदेशी मेहमान वैध वीजा पर हमारे देश में कोई कार्यक्रम करने आता है तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम उसे सुरक्षा दें। हम कसूरी के बयान से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपने राज्य को बनाना रिपब्लिक नहीं बना सकते। कानून का राज ही चलेगा। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है इससे हमारे सूबे की बदनामी हुई है। अपने विचार रखने का इससे बेहतर तरीका भी हो सकता था। कसूरे के खिलाफ अगर शिवसेना लड़ाई करती है अपने ताकत की, तो सरकार ने हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। तो मुझे पता नहीं कि ये क्या चल रहा है। सवाल समझ को लेकर खड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान का विरोध अगर सरकार में आने से पहले बीजेपी को सही लगता था तो अब गलत क्यों लगता है। कसूरी की किताब के सवाल पर कुलकर्णी पर कालिख मलने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ने आरोपी शिव सैनिकों का सम्मान किया तो कोल्हापुर समेत महाराष्ट्र के कुछ शहरों के चुनाव में बीजेपी को छोड़कर अकेले कदम आगे बढ़ाने के संकेत भी शिवसेना ने दे दिए। तो क्या अब रास्ते अलग हो जाएंगे? 26 साल पुराने रिश्ते की बुनियाद क्यों दरक रही है? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि शिवसेना को महाराष्ट्र की सरकार में अहम मसलों पर सीएम फडणवीस के एक तरफा फैसले नागवार गुजर रहे हैं। मसलन इंदू मिल के अधिग्रहण समेत डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल का सारा श्रेय बीजेपी अकेले लूट ले गई। इसके पहले दलित नेता रामदास अठावले को भी बीजेपी ने शिवसेना से अलग कर अपने साथ खड़ा कर लिया। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों समेत मनपा चुनाव में भी बीजेपी शिवसेना को झटका देकर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सत्ता की इसी जोर आजमाइश में पाकिस्तान के सवाल पर शिवसेना ने बीजेपी को ही घेर लिया है। सवाल शिवसेना के मंत्रियों के इस्तीफे का आया तो शिवसेना ने अपने ही अंदाज में उसे खारिज कर दिया। देखिए, इस्तीफा देने का मन हम क्यों बनाए? हम तो प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, देश के अभिमानी ऐसे लोग हैं। अगर इस्तीफा किसी को देना है हमारे वजह से तो वो लोग दीजिए। सरकार दोनों की है, सरकार दोनों की है ना। अगर हम राष्ट्रवादी है, अगर आपको हमारा राष्ट्रवाद इतना बुरा लगता है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान और राष्ट्रवाद के सवाल पर शिवसेना बीजेपी के स्टैंड को सवालों के घेरे में ला खड़ा करने में जुटी है ताकि रिश्ता तोड़ने की वजह भविष्य की राजनीति का रास्ता आसान कर दे। मयूरेश गणपति, मुंबई, आज तक।